वेल, थोलिया के खिलाफ मेरा पहला आर्टिकल छप चुका है, तुमने पढ़ा? पढ़ लूंगा, पर व्हाट्स द पॉइंट? कहना क्या चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली वही जो तुम नहीं सुनना चाहते हो। डोंट रन अराउंड द बुश। कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी की सारी बातें मान ली है और जो स्टे ऑर्डर उन्होंने कैंटीन पर लगाया था वो कल हट जाएगा। और तुम्हें तो ये न्यूज मिल जानी चाहिए थी, इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, सारी दुनिया की न्यूज होती तुम्हारे पास। अफसोस अपने डैड को नहीं समझ पाए। कबीर, इतने सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस डील, छोटी हो या बड़ी, उन्होंने आधे अधूरे में छोड़ी हो। उनके बिजनेस राइवल्स उनकी चाल समझ पाए इससे पहले वो अपनी चाल ही बदल लेते हैं। सैंडी, मैं अपने डैड के साथ काम नहीं करता, जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने डैड को अच्छी तरह जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ, उनके काम से वाकिफ हूँ। और अगर ये सब मुझे नहीं पता होता ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह डैड का फैन होता। और रही बात इस फ्रेश डील की, तो कंपटीशन इस बार बहुत टफ है। कबीर माय फ्रेंड, ये बात भी तुम्हारे डैड को पता थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे जयपुर में थोलिया को अपना पार्टनर बनाया, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो डोंट वरी, ये डील हम ही जीतेंगे। और फिर ऑफ कोर्स वो तुम्हारे फादर हैं। मेरे बॉस होने के साथ साथ वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के फादर भी हैं। कोहली कैंटीन आभा से कोई नहीं छीन सकता। बच्चों की तरह बातें मत करो कबीर, और जाकर आभा को समझाओ कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, एल्स यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। मायरा, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कबीर। मायरा, सैंडी और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वो थोलिया के साथ काम करता है। और कितना झूठ बोलोगे तुम कबीर? मायरा, लेट्स लीव, और झूठ सुनने की जरूरत नहीं है, जो हमने देखना था हमने देख लिया। लिसन, कबीर झूठ नहीं बोल रहा है, हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ ही प्लान बनाया था। ग्रेट, व्हाट अ कैलकुलेटेड मूव मिस्टर मिरांडा। एंड दिस गेम बिगन इन मुंबई, राइट? पहले मुझसे मुंबई में मिलते रहे, फिर यहाँ आकर रिया से दोस्ती की, फिर मेरे घर में घुस गए, मामा को कॉन्फिडेंस में लिया, और फिर आर्यन से दोस्ती की, आभादी को सपोर्ट किया, और फिर मुझे भी। मायरा, हम बैठ के बात कर सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब तो सब क्लियर है कबीर, ये कोई डेस्टिनी नहीं थी, ये सब तुम्हारा प्लान था। मैं भी इतनी बेवकूफ थी जो तुम पर ट्रस्ट करने लगी। मायरा, तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो हर बार की तरह। गलत समझती थी। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते है मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हाँ,
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी बात